हाउ टू सेट द फ्रैक्शन नंबर इन सेल, राइट। तो हम लोग देखेंगे फ्रैक्शन नंबर को कैसे सेट करते हैं। तो पहले आप सेल्स को सिलेक्ट कर लो, ठीक है। सेल्स को सिलेक्ट करने के बाद आप एक अकाउंटिंग फॉर्मेट में जाओगे, मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट्स में जाएंगे, ठीक है। और यहाँ से फ्रैक्शन वाले ऑप्शन पर जाओगे और जितने डिजिट को अलाउ करना चाहते हो सेल में उतने को अलाउ कर। जैसे मैंने बोला 2 digits को, तो 2 digits हमने अलाउ कर दिया, इस पर ओके कर दिया। ओके, सो नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड टू दिस थिंग्स, 2 digits इज अलाउ ईजियर। अब इसको जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे सेल्स पर, तो ऑटोमेटिक ये डेसिमल फॉर्म में शो कर देगा, ठीक है। एक सेल्स को मैं यहाँ पर अगेन लेता हूँ और यहाँ पर मैं सेट करता हूँ इस सेल्स की 3 up to 3 digits में, ठीक है। तो यहाँ से जाऊँगा मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट में जाएंगे, फ्रैक्शन में जाएंगे, 3 digits को चूज कर रहा हूँ, ठीक है। वी हैव टू देयर एंड नाउ ओके। यहाँ पर नाउ आई एम गोइंग टू द राइट 500 by 100, ओके, 3 digits विल बी देयर। एंड नाउ आई एम गोइंग टू द क्लिकिंग हियर, इट्स कमिंग लाइक अ 500 by 100, 5 ऑब्वियसली होता है ना, यस और नो? यस सर। सो दैट इज कमिंग टू द 5 हियर, राइट। सो यू हैव टू, एंड नाउ आई एम गोइंग टू द राइट अनदर डेटा लाइक 246, मैंने यहाँ पर राइट किया और यहाँ पर मैंने राइट कर दिया 124, ओके। सो ये डेसिमल फॉर्म में शो करेगा। सो सी दिट्स इज लुकिंग लाइक अ फ्रैक्शन, 3 digits इज देयर। तो ये कौन सा फ्रैक्शन हो गया, आप इसको क्या समझ रहे हो? आप देखो जैसे आप राइट करते हो ना इस तरीके से, 2 like 3 divided by 4 इज दिस वन, कैन यू राइट? सो इन दैट वे इज गोइंग टू द राइट हियर। तो वाट इज राइटिंग हियर, 61 by 62 into 1, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। गेटिंग 61 62 1, गेटिंग माई पॉइंट? सो इन दैट वे फ्रैक्शन नंबर इज कमिंग टू दिस मोमेंट। सो यू कैन सेट द फ्रैक्शन इन द सेल इन दिस वे। आई होप ऑल ऑफ टू गेटिंग टू दिस पॉइंट, राइट। सो थैंक यू टू वॉचिंग टू दिस सेक्शन।